नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रही हूँ कैसे सपने दिखना मतलब आपके घर में जल्द ही गूंजेगी नन्हे मेहमान की किलकारी। प्यारे दोस्तों, आज के समय की थकान भरी जिंदगी में हर कोई चैन की नींद सोना चाहता है। सोने के बाद हर कोई खूबसूरत हसीन सपने देखता है जो हकीकत से बहुत ही अलग और लुभावने होते हैं, जिसकी माया नगरी में जाकर इंसान खुद को फरिश्ता समझने लगता है और उस दुनिया से वापस नहीं आना चाहता। लेकिन कुछ सपनों में हमें इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं जिन्हें देखकर हम असमंजस में पड़ जाते हैं और इन संकेत को समझ नहीं पाते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सपनों से जुड़ी ऐसी कुछ खास बातें जो आपको सपनों के संकेत को समझने में काफ़ी हद तक लाभप्रद सिद्ध होगी। ये सपने इस प्रकार से हैं। गालीयुक्त झगड़ा देखना सपने में। ऐसा कहा जाता है कि अगर सपने में कोई झगड़ा और गाली देता व्यक्ति दिख जाता है तो ये शुभ संकेत होता है। बताया गया कि ऐसे सपने दिखने के बाद आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पुराने झगड़ों से पारस्परिक वार्तालाप द्वारा समझौते के भी अवसर आ जाते हैं। चुनरी दिखना। यदि सपने में किसी स्त्री की चुनरी या दुपट्टा आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप जल्दी ही किसी के प्रेम में पड़ने वाले हैं। इसके अलावा यदि चुनरी ओढ़े हुए कोई विवाहित स्त्री आपको दिखाई देती है तो आपके प्रेम के मामले में आपको सफलता हासिल होगी, ऐसा योग बनता है। चूड़ी देखना। अगर सपने में चूड़ियां आए तो इससे भेद ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। स्वप्न में चूड़ियों का दिखाई देना मतलब मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। वही अगर इस तरह का सपना कोई स्त्री देखे तो उसके पति की उम्र लंबी होती है। नाग सपने में दिखाई देना। अगर किसी को सपने में नाग देवता दिखाई पड़े तो मतलब उसके जीवन में धन का आगमन होने का योग बन रहा है, यानी कि उसका सौभाग्यशाली वक्त शुरू होने वाला है, उसके घर में सुख शांति आने वाली है। बालक दिखाई देना। यदि सपने में किसी को बच्चे दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्द ही उसके घर में नन्हे मेहमान की किलकारी सुनाई देने वाली है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।